मैं अपने कश्मीर के भाइयों को यकीन दिलाना चाहती हूँ, कांग्रेस आज भी आपके साथ है, कांग्रेस कल भी 370 धारा के साथ थी, आज भी 370 धारा के साथ है। पलटी पलटी अगर किसी ने मारी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मारी, जो 2019 के चुनावों में 370 धारा के साथ खड़े दिख रहे थे, लेकिन जैसे ही देश में तानाशाह की सरकार आई, ये डर के थर थर कांपने लग गया केजरीवाल, और तुमने अपना स्टैंड धारा 370 पे बदल दिया और पलटी मार दी और केंद्र का समर्थन कर गए। लानत है तुम्हें केजरीवाल, लानत है कि इस तरीके से डर के तुम बदल बदल बात बात पे अपना स्टैंड बदलते हो। आज फक्र महसूस कर रही हूँ, उस कांग्रेस के साथ खड़ी हूँ जो कांग्रेस इस मुल्क को एक रखने के लिए बिना इन तानाशाह सरकारों से डरे उनके फरमान और उस काले कानून नागरिकता कानून NRC के खिलाफ खड़ी हुई है। मुझे फख्र है उस कांग्रेस के ऊपर। इतना ही नहीं, यहाँ पर मुझे कश्मीर के साथ साथ असम के भी भाई और बहन मिले, बताया उन्होंने कि कश्मीर जो जुल्म सह रहा है इस तानाशाह के राज में, असम में भी जब से NRC नागरिकता कानून थोपा गया है तब से वहां पर भी ज्यादतियां हो रही है। सभी को NRC के तहत लाकर पीड़ित किया जा रहा है, यातनाएं दी जा रही है। मैं आपसे कहूंगी, ये दिल्ली का चुनाव कश्मीर के साथ साथ इस तानाशाह से असम का भी बदला लेकर रहेगा और इस नागरिकता कानून को भारत की राजधानी दिल्ली में कांग्रेस लागू नहीं होने देगी। मैं आपसे कहूंगी, चुनाव प्रचार अब खत्म होने आ रहा है, कुछ मिनट रह गए, ये मेरी अंतिम चुनावी जनसभा है। मैं जितनी मेहनत कर सकती थी घर घर जाकर मैंने कांग्रेस का इतिहास बताया, घर घर जाकर मैंने पिछले 5 सालों के अपने काम गिनवाए हैं। मैं आप सभी से कहती हूँ, मेरी ईमानदारी मेरा संघर्ष मेरे कामों के आप लोग गवार रहे, इसीलिए आज आपकी इस बेटी और बहन को किसी बाहर से गवाह को बुलाकर अपनी गवाही दिलाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे गवाह यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेरे गवाह यहाँ मौजूद है कि आपकी इस बेटी आपकी इस बहन ने जो हिंदुस्तान की सियासत में 25 साल पूरे कर चुकी है उसने कभी भी इन तानाशाह से समझौता नहीं किया, 25 सालों में डट कर लड़ी हूँ और आज भी लड़ रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कहूंगी, केजरीवाल दिल्ली बचा लो मौका है, केजरीवाल धोखा है, दिल्ली बचा लो मौका है। एक अपनी नाकामियों में एक तानाशाह है देश की सत्ता पर बैठा है, उस तानाशाह ने अपनी नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए महंगाई बेरोजगारी महिला सुरक्षा नाकाम हुआ है देश का तानाशाह, देश की अर्थव्यवस्था गिरी हुई है, नफरतों के जहर और बीज बोए जा रहे हैं। ऐसे समय में इस तानाशाह को अपनी नाकामियों को ढकने के लिए NRC और नागरिकता कानून को सामने लाना पड़ा। जिस तरीके के बयान इन चुनावों के दौरान भाजपा के नेताओं ने दिए हैं, मैं पूरी उम्मीद करती हूँ इन्हें मुंह तोड़ जवाब आप अपना वोट एक वोट इनके खिलाफ जाकर 8 तारीख को देंगे और इन्हें मुंह तोड़ जवाब मिलेगा कि आपने केंद्र की सरकार में अपनी नाकामियों को बहुत आसानी से NRC और नागरिकता कानून के पीछे छुपा दिया और नफरत की। वही दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तुम धोखेबाज हो, तुमने कश्मीर के साथ धारा का समर्थन करते और फिर उसका विरोध करना शुरू कर दिया, तुम धोखेबाज हो केजरीवाल। पहले तुम असम में NRC का विरोध करते थे और
तुम खामोश होकर इसका समर्थन कर रहे हो, तुम धोखेबाजों के। आज पूरा मुल्क, पूरा देश, भारत की राजधानी दिल्ली एनआरसी और नागरिकता कानून के, माफी चाहूंगी, आजान के बाद मैं अपनी पूरी बात रखूंगी और अपना अंतिम चुनावी भाषण आपके बीच में दूंगी। शुक्रिया।